आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। उसके लिए मुझे चाहिए 1 कप काली उड़द की दाल और 1/4 कप राजमा। इसे कभी भी एक रात पहले भिगो के मत रखें, इसको हम फ्रेश ही बनाते हैं। और ये ऐसी अनयूजुअल रेसिपी है जो आपको कोई और जगह नहीं पता चलेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनेगी। अब हम कुकर में इस दाल को और इस पानी को डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप इसमें हल्दी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अब हम इसको थोड़े से पानी के साथ 2 विसल्स लगवाएंगे। हमारी 2 विसल्स के बाद ये दाल इस तरह से है अभी खड़ी खड़ी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि ये दाल डिप हो जाए। और अब हम इसको दोबारा से 1 तेज विसल और 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसका बनाएंगे मसाला। इसके लिए हमें रफली चॉप करना है 2 बड़े अनियंस को, 3 टमाटोज रफली चॉप करना है, जिंजर और 8 से 10 कलियां लहसुन की। इसको हम लोग एक कुकर में ट्रांसफर करेंगे। रफली चॉप करना है इसको और ये कुकर में चॉप डालकर इसमें हम डालेंगे नमक और डालेंगे पानी, इतना पानी कि वो सिर्फ ये जो वेजिटेबल्स हैं सिर्फ स्टीम हो जाए। अब हम इस कुकर को बंद करके इसको 1 तेज विसल और 5 मिनट सिम पे स्लो गैस के ऊपर इसको रखेंगे। ये देखिए हमारे प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक सब कुछ बहुत सॉगी हो गए हैं, बहुत आराम से मैश हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा करके इस मटेरियल को मिक्सी में चर्न करेंगे। जो मसाला वो ठंडा हो गया, हमने उसको मिक्सी में चर्न किया और ये इतना स्मूथ होना चाहिए। और इसको देख के ये मत समझे कि ये बहुत सारा मसाला है, बिकॉज इसमें पानी है और ये रिड्यूस हो जाएगा। अपना एक हार्ड एनोडाइज्ड सॉस पैन गरम कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और थोड़ा सा देसी घी। जैसे ही ये गरम हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे 1 तेज पत्ता कट इन टू हाफ, 1 मोटी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2 लौंग। और हम इसको इसमें डाल देंगे और इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा फूटने लगे हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसको भूनेंगे ताकि ये जो खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर इस ऑयल और बटर में आ जाए। अब हमारा जीरा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। 2 टीस्पून सूखा धनिया, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। और अब हम इस मसालों को अच्छी तरह से पीस के मिक्स करके अब हम ये वाली जो ग्रेवी है जो हमने बनाई थी इसको हम बीच में डाल देंगे और इसको मीडियम हीट पर पकने देंगे। ये हमारा जो ये मिक्सचर है ये काफी रिड्यूस हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे घर की 1 चम्मच 1 टेबलस्पून मलाई और इसको स्लो गैस के ऊपर इसको कुक करेंगे। अब देखिए हमारी दाल और राजमा दोनों गल चुके हैं, इसीलिए सेकेंड टाइम में इसे खोल कुकर को खोलकर ठंडा पानी डाला जाता है कि राजमा गल जाए। ये देखिए ये मसाला बिल्कुल कुक हो चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। अब हमने ये दाल मिक्स कर दी और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि अभी हम इसको 1/2 आवर स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये थिक हो जाए थोड़ी। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके हमने डाल दिया है और इसको मिक्स करके अब हम स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। हाफ एन आवर कुक हुई है स्लो फ्लेम पे तो ये इस तरह की दिख रही है, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। अब हम इसको फाइनली इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये इसके ऊपर एक टीस्पून बटर, ये हमारी फ्रेश क्रीम है, इसे गार्निश करेंगे। होप आपको ये दाल मखनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जब भी ये थिक हो जाए दाल, तो आपने इसमें पानी डालकर इसको पतला नहीं करना, आपने इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको पतला करना है। और आप ये वाली दाल एंजॉय करें, आपको कोई ये नहीं कह सकेगा इसे देखकर कि ये रेस्टोरेंट की दाल नहीं है, आपने घर में बनाई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।